व्लॉग्स इन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। हीरो निकला बत्रा, मान गई प्रमोशन हो गया, कैप्टन बन गया। इमोशनल लेवल सब जानदा है, मैं छट नहीं सकती तेनू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सच्चे काल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, बिल्कुल फिट फाट हैं। और काफी दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे शेरशाह मूवी के गानों पे रिएक्शन दो, तो मन भरिया सॉन्ग जिसका हमें पता है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग बी प्राक का गाना है और 2017 में आया था, उस गाने का 2.0 वर्जन आ गया है। और शेरशाह मूवी में सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी हैं, तो बी प्राक हैं, लिरिक्स एज यूजुअल जानी के हैं, और आवाज़ होने वाली बहुत अच्छी, आवाज़ का तो हमें पता ही है। सो बेसिकली इसमें फौजी हैं सिद्धार्थ, और मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो मैं जो गेस कर पा रहा हूँ कि कियारा उनके लिए ये गा रही होंगी दिली दिल में गाना जब वो जाते हैं लड़ने के लिए। सो खैर देखने के बाद ही हम इसको बता पाएंगे और इस पे करेंगे डिस्कशन। सो स्टे विद अस। मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया। वो उनके लिए ना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, गल गल ते शक कर दे बार जरा भी नहीं, हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किस दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगता है यारा। आर्मी में चले गए ना, ये भी दिखाए थे पेरेंट्स। मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती, रब नाम की यारा यहाँ कोई चीज नहीं होती, ओ रब उन्हूं खो लेंदे जेड़ा होवे उन्हूं जान तो प्यारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। हेलो, टीवी देखा क्या? तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई प्रमोशन हो गया, कैप्टन बन गया। इमोशनल लेवल तू सब जानदा है, मैं छड़ नहीं सकती तेनू, तेरी याद ने उंगला ते रोज नचाना मैनू, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनु तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, एको हुंदी है वे जिंदगी, तू मिलना नी मैनू वे दोबारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया। ओके जी, काफी इमोशनल है और
हाँ के नम कर जाता है ऐसा सॉन्ग है। उसके अलावा ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की एक्टिंग, यार सिद्धार्थ की एक्टिंग तो सराहने वाली है। जिस तरह से कियारा की एक्सप्रेशंस थे कि वाकई में जो दिल में एक डर नहीं होता कि वो बोल रही है कि तू मैनू छड़ जाना, और उनको पता है जाहिर सी बात है एक फौजी जब जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई वो आएगा कि नहीं आएगा लाइफ के, उनको पता होता है कि हमें हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये उनको कोई गारंटी नहीं होती। तो वो बड़ा यार एक था रोंगटे खड़े कर देने वाला कि उनकी डेथ हुई है और कियारा आडवाणी आ रही है भागते भागते, और दिल जाहिर सी बात है कि वो मतलब यकीन आप नहीं कर पा रहे कि ऐसा है, और अपने मतलब आप सेंसेस में नहीं होते हाँ, सेंसेस में नहीं है। फिर एक उनके फ्रेंड भी थे जिनके वो रो रहे थे, तो अब हमने ना ट्रेलर देखा है ना मूवी देखी है, लेकिन मूवी की बहुत तारीफें हो रही हैं सिद्धार्थ की एक्टिंग की। एंड में दिखाया था कि उन्होंने इंडिया का परचम लहराया और सिद्धार्थ अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, बहुत अच्छा सीन था कि सिद्धार्थ मतलब उनकी डेथ हो रही है लेकिन उनके जो साथी हैं वो इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और वो देख के बड़ा खुश हो रहे हैं उसको, तो उसमें जो एक्सप्रेशंस थे यार वो कमाल कर गए। और बीप्राक की आवाज यार मतलब कलेजा आपको जो है ना वो हिला के रख देती है आपको, और ऊपर से दो बेहतरीन एक्टर्स, मतलब सिद्धार्थ मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग पे जब आते हैं ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी तो सिद्धार्थ मुझे तब से पसंद थे, और कियारा कमाल कर गए, और गाना ऊपर से कुछ कुछ बोल भी चेंज किए उन्होंने और कि वो था ना अगले जन्म विच रब अल्लाह तेनू मैं बना के भेजे तो मैनू तू बना के भेजे, तो बेहतरीन है यार। एक वो भी था तू तेनू मिल जाना किसी दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना, बिल्कुल सिचुएशन पे बिठा दिया गाने को। और बीवी पे सिद्धार्थ के और कायरा के मोमेंट्स भी आ रहे थे, हाँ वो बड़े प्यारे वो, स्वीट मोमेंट थे। उनके माँ बाप के साथ आया कि वो उनको कैप पे ना रहे हैं, हाँ, वो, और वो जब फोन करते हैं ना न्यूज देखी हाँ, अब मैं कैप्टन हो गया हूँ, तो अमेजिंग यार। बट लेकिन एक ये है कि ये एक बड़ी कड़वी सी सच्चाई है कि फैमिली वालों को तो बहुत ही सारी जिंदगी मतलब जिंदा तो होते हैं लेकिन जिंदा फिर भी नहीं होते। इसमें एक कुछ जगह दिखाया है कि कियारा आडवाणी जो है थोड़ी थोड़ी परेशान है, अगर देखा हो बीच बीच में आपका ना दिल यूं यूं मुट्ठी में होता है जब आपको पता है कि आपकी फैमिली से एक फौजी जा रहा है, तो आपको भी पता है कि वो वापस नहीं चांसेस हैं उसके कि नहीं आए, तो वो चाहे जिस भी मुल्क का फौजी हो तो उसके घर वालों का जो दिल होता है ना वो यूं मुट्ठी में धड़क रहा होता है यार, ऊपर से बीप्राक की आवाज। हाँ तो यार अमेजिंग, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग, एंड रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नए ब्लॉग्स वहाँ पर आते रहेंगे, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करेंगे लेटेस्ट फोटोज वगैरह के लिए, अपडेट्स के लिए, इसी तरह हम और रिएक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।